हाय एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल तो आज हम ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड फ्रॉम द पीआईबी तो जो आर्टिकल्स हमारे इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़पेपर में मिस हो जाते हैं तो वो हम पीआईबी से कवर हमें कर लेने चाहिए तो पी या फिर न्यूज़ ऑन ए तो वहाँ से सारे आर्टिकल्स रहते हैं एंड आज अगर हम एडिटोरियल्स की बात करें तो एडिटोरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू इंडियाज़ फॉरन पॉलिसी और उनको हम डिस्कस करेंगे काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा सो प्लीज़ वॉच एंटायर वीडियो डिस्कशन और बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन यू हैव टू डू वही लाइक like करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस द बेल आइकन ठीक है बेल आइकन को प्रेस करना है आपने तो ओके लेट्स डिस्कस सो सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन है छोटा सा कि जया जेटली जो कमेटी है दैट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ किस पर्पज़ के लिए जया जेटली कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है क्यों कॉन्स्टिट्यूट की गई है ठीक है बताने जाना बहुत न्यूज़ में है देन नुखाई जुहार जो है नुखाई जुहार क्या है एक ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है इसको क्या बोलते हैं नुखाई पर्व और नुखाई भेंट ठीक है तो नुखाई का मतलब नुआ है नुआ मतलब न्यू मतलब हो गया खाई मतलब खाना यानी कि ईट है ना तो ये इस कॉम्बिनेशन से बना हुआ है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा छत्तीसगढ़ एंड नेबरिंग स्टेट ठीक है कुछ झारखंड का भी कुछ है एक रीजन तो वहाँ पे भी इसको मनाया जाता है तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ एरियाज़ ऑफ नेबरिंग स्टेट टू वेलकम द न्यू क्रॉप ऑफ द सीज़न और यहाँ पे क्या करते हैं फार्मर्स ऑफर करते हैं इनका जो फर्स्ट प्रोड्यूस होता है इनके जो लैंड से टू गॉडेस समलेश्वरी ठीक है समलेश्वरी द फेमस मदर गॉडेस ऑफ संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा तो ये है क्या नाम है इसका नो नु, नुखाई नुआखाई जुहार ठीक है जो नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर तो सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूट किया नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन अब इसका जो कम्पोजिशन होगा ये क्या होगा ये हेड की जाएगी किसके द्वारा जो यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं ठीक है तो इसके जो हैड होंगे वो कौन होंगे यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर एंड इसके जो रिप्रजेंटेटिव uh, होंगे वो टेन सेंट्रल डिपार्टमेंट से होंगे ठीक है टेन सेंट्रल डिपार्टमेंट से होंगे एंड फाइव स्टेट से होंगे एंड मेम्बर ऑफ द कम्युनिटी ठीक है तो ये है देन काउंसिल इज इंडियाज़ फर्स्ट एंड फॉर्म्ड अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 इंडिया की पहली है ऐसी ये जो कि किसके अंतर्गत बनाई गई है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 एंड द हैज़ फाइव मेन फंक्शंस तो इनके क्या फंक्शंस होंगे कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है प्रोग्राम है उनके जो लेजिस्लेशन प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है एडवाइस देना ठीक है मतलब इन रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेंडर पर्सन एंड दे Impact of Policies: Program designed for achieving equality. और जो भी मतलब ट्रांसजेंडर पर्सन है उनका फुल पार्टिसिपेशन होना रिव्यूइंग करना कोऑर्डिनेटिंग करना एक्टिविटीज़ में सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ और जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं ट्रांसजेंडर पर्सन के ग्रेवेंसिस हैं उनको रेड्रेस करना एंड परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंटर तो ये चीज़ें नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेता है वाट आर फ्लावोनाइट्स ठीक है तो फ्लाउनाइट्स जो होते हैं ये एक ग्रुप होते हैं जो किस में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में होते हैं ठीक है सब्जियों और फलों में ये होते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में ये होते हैं एंड इनको क्या बोलते हैं फाइटो न्यूट्रेंट्स ठीक है फाइटो न्यूट्रेंट्स दे अलॉन्ग विथ कार्टोनॉइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियड कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इनसे मतलब कभी कभी जो कार्टोनाइट्स होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए जो फ्रूट्स में जो कलर्स होते हैं चेंजेस और वेजिटेबल्स होते हैं उसमें उसके लिए होता है ठीक है दे आर एसोसिएटेड हेल्थ बेनिफिट्स बींग गुड एंटी ऑक्सीडेंट्स हैविंग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो अदर बेनिफिट्स फॉर द इम्यून सिस्टम अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंटली जो साइंटिस्ट है ए आर आई के यानी कि अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट तो इन्होंने फर्स्ट सिंथेटिक रूट जो है वो फाउंड किया है फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लावोनॉइड्स मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ टीबी एंड चिकनगुनिया ठीक है तो ट्यूबरक्सिस और चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट के लिए जो फ्लावनाइट्स मोलिक्यूल्स है इन्होंने मतलब ये क्या किया फ़ाइंड किया है ठीक है तो ये है एक जो है ये कन्वेंशन है, एक न्यूज़ में आरहस कन्वेंशन ठीक है तो ये कन्वेंशन क्या है यूनि यू एन ई सी कन्वेंशन ऑन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेस टू जस्टिस इन एनवायरमेंटल मैटर्स ठीक है तो ये चीज़ है ये साइन कब हुई थी नाइनटीन नाइनटी एट में हुई थी दानिश सिटी ऑफ अरहाज एंड एंटर्ड इन टू फोर्स इन टू थाउजेंड वन द मोस्ट नोटेबल फीचर इन श्रेंड इन यू लेजिस्लेशन बेस्ड अपॉन द स्टेट इज वाटर फ्रेमवर्क डायरेक्टिव ठीक है तो वाटर फ्रेमवर्क डायरेक्टिव इसका जो बेस फीचर है वो था और ये क्या करती है पब्लिक राइट्स ग्रांट करती है रिगार्डिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन एक्सेस टू जस्टिस इन गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ऑन मैटर ऑफ कंसर्निंग द लोकल नेशनल एंड ट्रांसबाउंड्री इन्वायरमेंट ठीक है तो ये इम्पॉर्टेंटली हमने पढ़ा नुआखाई जुहार के बारे में जो उड़ीसा का मेजरली मतलब है जहाँ पे गॉडेस हमलेश्वरी जो देवी हैं मदर गॉडेस उनको दिया जाता है ये जो फर्स्ट प्रोड्यूस होता है उनके फार्म का देन नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पढ़ा है देन व्हाट आर फ्लैव के बारे में पढ़ा एंड जो कन्वेंशन है उसके बारे में पढ़ा ठीक है नेक्स्ट जो है न्यूज़पेपर वो डिस्कस कर तो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ये तो मॉर्निंग्स इनकम्प्लीट विदाउट द इंडियन एक्सप्रेस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो देख लेते हैं माइग्रेंट्स बैक वुमेन्स शेयर इन एन आर ई जी एस डिप्स तो तो मतलब वोमेन्स का शेयर है इसमें है ना बहुत ही कम हो गया है डाटा अवेलेबल ऑन दिन एन आर ई जी एस पोर्टल ट्वेंटी फोर शो दैट द शेयर ऑफ़ वो दोवेस्टेंडीन टू फोर्टी फिफ्टी पर एक बार हम देख लेते हैं कितना है सबसे लोवेस्ट कहाँ कौन से जो रूरल अगर जॉब्स की हम बात करें है ना वो कहां पे तो जम्मू कश्मीर हैज द दोवेस्ट पार्टिसिपेशन एटी पॉइंट सेवन टू परसेंट फॉलोड बाई यूपी थर्टी थ्री एंड नागालैंड थर्टी सिक्स एरुणाचल प्रदेश फोर्टी झारखंड फोर्टी पॉइंट मध्य प्रदेश फोर्टी वन तो यहां पे ये कुछ स्टेट है एंड जो नेशनल एवरेज की अगर हम बात करें ऑफ द डिक्लाइन इन शेयर स्टूडेंट टू पॉइंट टू फोर परसेंट आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा शार्पेस्ट फॉल देखने को मिल रहा है थ्री पॉइंट फाइव एट फ्रॉम सिक्सटी पॉइंट फाइव लास्ट ईयर ठीक है टू फिफ्टी सिक्स पॉइंट फोर सेवन ये है अभी बाकी वेस्ट बंगाल तेलंगाना हिमाचल यहाँ हम देख चुके हैं और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं यहाँ पे इंडिया और स्विट्ज़रलैंड की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है तो उसको बहत्तर साल हो गए हैं तो उसी पे यहाँ पे बात की गई है इंडो स्विस पार्टनरशिप ठीक है रिफ्लेक्ट इन द शेयर्ड वैल्यू ऑफ प्लूरलिज्म कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वेज ऑफ लाइफ तो इसी के बारे में बात की गई है और स्विट्ज़रलैंड हैज़ इनोवेटिव सोल्यूशन टू ऑफर द र्यूबल एनर्जी सेक्टर और यहाँ पे माउंट यहाँ पे तिथलीज भी है बेकन्स इंडियंस लाइक नो अदर स्पॉट है ना स्विट्ज़रलैंड में ही है ये भी एट सीटर एक्सप्रेस मतलब विजिट करने के लिए एज रीजनल हब स्विट्जरलैंड ऑफर्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंडियन फर्म्स तो मेनली ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं क्या है इंडिया का एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें जनवरी नवंबर टू से तो कितना है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन मिलियन डॉलर इंडिया का इम्पोर्ट है जो वो इतना मिलियन डॉलर है एंड मेन आइटम्स जो इंडिया के एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं टेक्सटाइल गारमेंट जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं इंडिया से स्विट्जरलैंड को भेजे जाते हैं ज्वेलरी और डाई स्टफ़ मशीनरी पार्ट्स लेदर प्रोडक्ट्स शूज एंड शू अपर्स कॉटन प्लास्टिक कॉफी टी हैंड नोटेड कारपेट्स और जो हम इम्पोर्ट करते हैं वहाँ से क्या करते हैं बुलियंस के अलावा हम स्विस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया कंसिस्ट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट्स ठीक है मेनली इक्विपमेंट्स किस चीज़ के लिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तो ये चीज़ हम क्या करते हैं इम्पोर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट इन इंडिया भी आप देख सकते हो एंड इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन स्विट्जरलैंड अगर बात करें तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया टू स्विट्जरलैंड फॉर द ड्यूरेशन फ्रॉम सेवनटीन जो अप्रैल सेवनटीन से नवंबर टू थाउजेंड नाइनटीन के बीच में तो वन थाउजेंड फोर नाइनटी फाइव मिलियन यू एस डॉलर ठीक है तो ये है इतना ज़्यादा हम करते हैं और जो हमारा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो इसमें फोर्थ पोजीशन पे स्विट्ज़रलैंड आता है देन जो नेक्स्ट है बाकी स्टार्टअप फार्मास्यूटिकल केमिकल्स और आईसीटी ठीक है इसमें हम करते ही हैं इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा करते हैं द नेक्स्ट जो न्यूज है इन्वेस्टिंग इन द फार्मा इंडस्ट्री इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग एंड लिविंग गार्ड जो है ये भी स्विस हाइजीन कंपनी है ठीक है प्रोटेक्ट्स द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मिलियंस ऑफ ह्यूम्स विद द वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट सेल्फ डिस टेक्नोलॉजी तो ये प्रूव कर रहे हैं कि कोविड नाइन्टीन के जो वायरस है उसको ये क्या करते हैं डिफेक्ट कर देते हैं ये मेनली मास्क और ग्लव्स की कंपनी है ठीक है ग्लव्स मैनुफैक्चरर नेक्स्ट है यहाँ पे ये है ठीक है ये जो आर्टिकल से ये कांग्रेस की राजनीति से मतलब उसी पार्टी से रिलेटेड कि वहाँ पे जो वो टॉप टू बॉटम रिफॉर्म करने की सोच रहे हैं उसी के बारे में देन ये है पैरिश पब्लिश तो ये जो Uh, जो ब्लूम्सबरी है इंडियाज़ इन्शोर नेक्स्ट बैन ऑन कैंसिलेशन जस्ट अ फ्यू ट्वीट्स अवे ठीक है तो ये इन्होंने क्या कर दिया विदड्रॉ कर दिया डेली राइट्स ट्वेंटी ट्वेंटी पे जो एक बुक थी द अनटोल्ड स्टोरी तो यहाँ पे uh, ये क्यों किया क्योंकि ये किसने लिखी थी बुक्स वैसे जो मोनिका अरोड़ा है डेली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सोनाली चितलकर एंड प्रेरणा मल्होत्रा तो इन्होंने बुक लिखी थी द फैक्ट दैट मच ऑफ द बुक रीड्स लाइक कम्पोडियम कम्पेंडियम ऑफ द होम मिनिस्ट्री प्रेस स्टेटमेंट्स ठीक है तो यहाँ पे बस यही बोला गया है कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि जब मतलब जो uh, जो ऑथर्स थे है ना वो इनाग्रेशन सेरेमनी पे बिना किसी इंफॉर्मेशन के वहाँ पे खुद ही लॉन्च करने के लिए आ गए थे बुक और इससे पहले भी बैन हुई है जैसे सलमान रशदी की द uh, सेटेनिक वर्सेज नाइनटीन में देन जसवंत सिंह की जिन्ना इंडिया पार्टिस पार्टीशन इंडिपेंडेंस टू तो इन सब पे भी बैन लगा है है ना और जो यहाँ पे जो आर्टिकल है ट्रेजडी एज सर्कस तो यहाँ पे ये बोला गया है ऑथर के द्वारा कि आ, जो हमारा कोर्ट है मतलब फोर हंड्रेड ऑफ जो सीआरपीसी है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि कोर्ट राइटली हेल्ड इट डिड नॉट हैव द जुरिजिक्शन टू ट्रांसफर एन इन्वेस्टिगेशन अंडर फोर हंड्रेड सिक्स ऑफ सी आर पी सी लेकिन कोर्ट ने क्या किया बट द कोर्ट एक्सरसाइज जुरिजिक्शन अंडर आर्टिकल वन फोर टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ पावर डिबेटेबल एज टू इट्स एक्सरसाइज बाई अ सिंगल जस्ट तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है तो उसमें ये बोला गया है कि मतलब एक बिना किसी प्रूफ के बिना किसी आप अभी तक कोई कन्वें जो कन्विक्शन है है ना वो अभी प्रूवन नहीं हुआ है तो आप एक मतलब जो रेहा चक्रवर्ती है तो उसको ऐसे सॉफ्ट टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि अभी वही एक ऐसी है कि जिसको मतलब आप क्या कर सकते हो ईजीली टारगेट कर सकते हैं और विक्टिमाइज़ मतलब उसको कर सकते हैं पॉलिटिकली चार्ज एटमॉस्फेयर में रिजल्टिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफ आई आर तो यही सारी चीज़ें बोली गई हैं एंड एज अ वुमेन लॉयर्स वी आर ऑल्सो डीपली डिस्टर्ब बाय द मिसगैनिस्ट नैरेटिव्स सराउंडिंग द यंग वुमेन इन क्वेश्चन एंड वट द इन्वेस्टिगेशन होल्ड्स टुमारो नो वन कैन से मतलब अभी पूरी जब तहकीकत हो जाती है सब कुछ सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद कल को क्या होता है कौन इस चीज़ के पीछे है तो वही चीज़ बताया गया है लेकिन बट टू कंडेम अ पर्सन विदाउट कन्विक्शन सीकिंग मॉब एंड विजिलेंट जस्टिस आर रेमिनसेंट ऑफ डंकिंग तो यही चीज़ें बोली गई हैं कि आ, बिना आ, आ, मतलब कंडेम करना विदाउट कन्विक्शन वो सही नहीं है बस यहाँ पे यही बोला गया द नेक्स्ट जो न्यूज़ है री इन्वेंटिंग इंडियाज़ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी तो ये वाला जो आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एडिटोरियल री इन्वेंटिंग इंडियाज़ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वर्ट ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होता क्या है कि इंडिया इंडिया ने आपको पता है कि एक तरह से हम क्या करते हैं बाहर भी देशों का इंटरवेंशन नहीं चाहते लेकिन उसके बदले में हम ये भी नहीं चाहते कि हम बाहर के देशों की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें हम पार्टिसिपेट करें यानी कि फॉर इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इज़ नॉन इन्वॉल्वमेंट इन एनी कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड इन एनी वेयर इन द वर्ल्ड ठीक है चाहे वो फ़िलिपेंस और इसराइल के आपस के अंदरूनी जो बातें हों ठीक है उसमें हम नहीं पढ़ेंगे अंदर कि क्या है लेकिन हम वैसे बाहर से ऐसे सपोर्ट करेंगे इसके अलावा कि जो भी अगर वॉर हैं तो आपको पता है कि जब वॉर हुआ था वर्ल्ड वॉर टू तो उस टाइम पे अलाइंसिस बन गए थे है ना जैसे कि यू के साथ और जो सोवियत जो यूनियन है उसके साथ है ना तो उसमें क्या हुआ था कि आ, अलायंस बन गए थे लेकिन फिर भी इंडिया ने क्या किया उन वाले जो मतलब आ... एक्सेस और ये सारे जो थे जो सुपर पावर थी तो इनके साथ ना जाके अपना एक उन्होंने मिडिल पाथ अपनाया है ना वो किसके साथ गए नैम के साथ नॉन अलाइनमेंट मोमेंट तो नैम के साथ, तो साथ गए तो इस वजह से हमने क्या किया ना ही हम किसी के जो मिलिट्री अलाइंस है उसमें शामिल हुए ना ही हमने जो ये वॉर और प्रॉक्सी वॉर है कभी भी उनका हमने पूरी तरह से फॉर्मल ऐसे सपोर्ट नहीं किया है ठीक है तो अगर हम इंडिया की फ़ॉरन पॉलिसी की बात करें तो उसको इसी तरह से फेजिस में आ, मतलब स्टडी कर सकते हैं हम कि पहला जो फेज था वो कौन सा फेज था है नॉन अलाइनमेंट से और फेज है, uh, है, वो उसको बोला जाता है recovery, जब वॉर हुआ था एंड सेवनटी वन तक ठीक है बांग्लादेश के गठन तक ये इसको बोला जाता है रियलिज्म एंड रिकवरी तीसरा जो फेज होता है उसको बोलते हैं ग्रेटर इंडियन रीजनल असर्शन ठीक है uh, जो सेवनटी वन और नाइन्टी वन के बीच में हुआ था ठीक है सेवेंटी वन एंड नाइन्टी वन इसके बाद जो फोर्थ फेज़ होता है ना तो फोर्थ फेज हमारे इसको बोलते हैं सेफ गार्डिंग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ठीक है guarding, autonomy, तो ये हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला जो पार्ट फेज़ है ये हमारा स्टार्ट होता है नाइनटीन नाइन्टी वन से और नाइन्टीन नाइन्टी एट के करीब और जो हमें अभी भी ये चल रहा है ना तो यहाँ पे यही चीज़ मतलब उस टाइम पे ये क्या था कि यूएस का जब एमरजेंस uh, मतलब जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसका इमरजेंस हो रहा था और उसमें कौन लिड कर रहा था उसको यूएस कर रहा था ना एक अधिकार पूरे वर्ल्ड पे यूएस का था तो हमने क्या किया ना हम नाटो के साथ गए जो नाटो इनका जो है है ना एक आपको पता है मिलिट्री अलाइंस है हमने इसको नहीं किया एक्सेप्ट दूसरा हमने क्या बना लिया नाम बना लिया तो हम यहाँ पर गए तो ये हमारे मतलब इसी को डिनोट करता है कि इंडिया डजेंट अलाइन इट्स फॉरन पॉलिसी विद एनी अदर नेशन एज पार्ट ऑफ पार्टनरशिप और जो भी मतलब उनके जो मेन स्ट्रीम जो ऑटोनमी होती है तो हम उनको क्या कर सकते हैं हम अपने जो ऑटोनमी है उसको बरकरार रखते हैं उसको मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ बोला है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट आई होप कि आपको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी क्या है ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इज द नेचुरल एक्सटर्नल कॉम्प्लीमेंट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेलीनेशन ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी तो यहाँ पे इसको किसके साथ आ, आ, मिला के मतलब पढ़ा जा रहा है जो आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंस है तो ये भी एक तरह से हमारा आ, एक क्या है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का ही पार्ट है सिंस द कंसेप्ट कैरी सो मच आइडियोलॉजिकल बैगेज इट्स रिसर्कशन बाय मोदी इन इनवेटिवली रेज मैनी क्वेश्चन तो यहाँ पे यह चीज़ बोली गई है कि मोदी का जो सेल्फ रिलायंस है टुडे इज नॉट अबाउट रिट्रेटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बट ऑफ इन्सिंग इंडियाज इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है कि हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द ग्लोबल इकोनॉमी वो कितना है उस पर फोकस किया गया अब ऑल इट इज़ अबाउट एम्पावरिंग इंडिया एंड द स्पीडी रियलाइजेशन इट्स फुल नेशनल इकोनॉमिक पोटेंशियल ये हमें अपने जो इकोनॉमी uh, का पोटेंशियल है उसका फुल फुली यूज़ करना है एंड वेन अप्लाइड टू द फॉरन पॉलिसी फ्रेमवर्क सेल्फ रिलायंस बिकम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ठीक है अगर हम फॉरन पॉलिसी में ही के कॉन्टेक्स में इस फ्रेमवर्क को देखें तो सेल्फ रिलायंस क्या बन जाता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बन जाता है और दूसरा ये कि यहाँ पे जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं तो उन्होंने कुछ रिस्क भी बताए थे इन द ग्लोबल इकोनॉमी दैट हैव कम इन टू शार्प यूथ सिंस द कोरोना क्राइसिस इन्वेल्ड द वर्ल्ड अर्लियर दिस ईयर तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एक्शन ऑफ नेशंस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस डिटर्मिन हाउ द वर्ल्ड रियली प्रसिवस दैम एंड दे डिड ब्रिंग अप मैनी ऑफ द रिस्क ठीक है देन इवन मोर डीपली देर इज ग्रोइंग इंटरनेशनल कंसर्न दैट बीजिंग हैज़ टेकन यूटर एडवांटेज मतलब जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम तो यहाँ पे पूरे एडवांटेज किसने लिए हैं इंटरनेशनल कंसर्न अभी यही है कि बीजिंग ने काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया है और मतलब इसमें क्या होगा कि एक्सेसिव डिपेंडेंस चाइना पे मतलब हमारी पूरे जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है उनकी हो सकती है है ना क्योंकि अभी आपको बताया कि अपना तो चाइना पूरी तरह से निपट गया है कोरोना वायरस से ऑलमोस्ट मतलब ऑल दो मतलब आ, जो वहाँ के जो डाटा वगैरह है वो पूरी तरह से आता नहीं है ट्रांसपेरेंट होके बाहर लेकिन स्टिल दे आर डूइंग वेल है ना मतलब जितने भी कंट्रीज़ uh, हैं उससे तो बेहतर वो कर ही रहे हैं साथ में जो पी पी किट्स से रिलेटेड और सारी चीज़ें वो क्या कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं हो या कुछ भी हो और बाद में अपने जो एग्रेशन है जैसे हमारे एल पे या फिर हॉन्गकॉन्ग पे तो सारी जगह वो अपनी ऑटोनॉमी को स्टेब्लिश कर रहे हैं हर जगह देन अर्लियर कंटेक्ट ऑफ इंडिया ऑटोनॉमी तो यहां पर यही चीज बताया कि उस टाइम पे जो अगर हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें तो वो यूनिपोलर मोमेंट के लिए थी जब कोल्ड वॉर था है ना उस टाइम पर हम यूएसएसआर और जो यूएस है उस पे ना जाके हमने नाम पे गए है ना एज अमेरिका टार्ड ओवर दर्ल्ड आफ्टर द कोलेप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन नाइनटीन नाइनटी वन इंडिया वॉज कॉटन क्लेफ्ट स्टिक तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि जो हमारे मतलब एक तरह तो हमने क्या किया अलग राह चुनी दूसरा हम क्या चाहते हैं हम एक्टिवली कोऑपरेशन सीख करते हैं किसका यूएसए का और वेस्ट जो पार्स है उनका ताकि हमारे यहाँ पे क्या हो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो और रीओरटेशन हो वो अच्छे तरीके से हो सके तो इंडिया को क्या चाहिए वेस्टर्न कैपिटल भी चाहिए ताकि हम अपने मार्केट को बेटर एक्सेसिबल और मतलब टेक्नोलॉजी ड्रेवन हम बना सकें उनको लेकिन हमको डेली को मतलब और क्या करना है कि हमारे जो कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं जिनको यू के इंटरवेंशन से थ्रेट पहुँच सकती है उसको भी हमको प्रोटेक्ट करना है है ना तो ये चीज बोली गई है कि उस टाइम पे जब नाइनटीन के टाइम पे क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन था तो वॉशिंगटन ने क्या किया था जो साउथ एशियन न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है वर अ बिग थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है ना और जो कश्मीर डिस्प्यूट था उसको क्या बोला कि कश्मीर इज द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तो मतलब हमारे बीच में वो इंटरवेंशन करने को रेडी थे है ना लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें चेंज आता गया यूएस आल्सो went out of the way to resolve the nuclear dispute with India by changing its domestic laws and international norms on nuclear proliferation. तो यहाँ पे बस यही चीज़ बोली गई है कि सिंगल माइंडेड फोकस ऑन resolving द अमेरिकन प्रॉब्लम डेली पेड लिटल अटेंशन मतलब हम किस पे फोकस करते गए कि हमारे जो कोर इंट्रेस्ट है वो यू के इंटरवेंशन से हमारे उसको मतलब उसको थ्रेट ना पहुँचे ठीक है तो सिंगल माइंडेड फोकस हमारा रहा सिंगल माइंडेड मतलब केवल यूएस पे ही फोकस रहा चाइना पे हमने फोकस नहीं किया है ना तो डेली पे लिटिल अटेंशन कि जो चाइना की साइड से जो चैलेंजेस हमें आने वाले थे अगर उसी टाइम पर हम फोकस कर लेते तो आज हमारे जो एल सी पे भी मतलब इतना ज़्यादा जो असरश मतलब एग्रेसिवनेस चाइना दिखा रहा है वो चीज़ नहीं होता तो ये हमारे प्रो जो चैलेंजेस हैं उनको इग्नोर करने का ये रीज़न यहाँ पे ऑथर ने बताया है इट इज़ नॉट दैट बिजिंग डिड नॉट सिग्नल बिजिंग ने सिग्नल भी दिए थे कि हम क्या कर रहे हैं जो भी मतलब जब जो यू ने हमारे जो एटोमिक ब्लॉकेट था इंडिया के अगेंस्ट तो उसको रिजॉल्व करने की बात की लेकिन उस टाइम पर उस टाइम पे चाइना ने फिर इसको ब्लॉक कर दिया है ना जैसे चाइना ने क्या बोला कि अगर ठीक है इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर अगर बनता है तो पाकिस्तान को भी बनाना ही होगा है ना तो ये सारी चीज़ें उसने की चाइना टर्नड एन ऑप्स्टिकल टू इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एंड इफ इंडियाज़ नाइट मैंने नाइनटीन नाइन्टी वॉज़ अबाउट कश्मीर मतलब ये था कि इंटरनेशनलाइजिंग करना अमेरिका का ये उद्देश्य था उस टाइम पे कश्मीर डिस्प्यूट को लेकिन वो कर नहीं पाया और अभी चाइना जो है हर रोज इश्यूज रेगुलरली वो कहाँ पे ले जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में वो इस इशू को ले जा रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में है ना एंड डेलीज प्रोलॉन्ग रिफ्यूजल टू सी द चाइना चैलेंज और वॉज फाइनली ओवरकम विद द पी एल ए अग्रेशन इन ईस्टर्न लद्दाख दिस समयर तो वही चीज़ है जो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू की आज ऐसी सिचुएशन हमें नहीं देखने को मिलती है अगर ऐसा होता एंड इंडियाज स्ट्रेटेजी की ऑटोनमी वॉज अबाउट फंडिंग ऑफ यू एस पोलिटिकल थ्रेड्स टू इंडिया टूडेज इन एविटिवली अबाउट कोपिंग विद चाइनाज चैलेंज तो अभी यही है कि हमें चाइना के चैलेंज को मतलब ज़्यादा फोकस में करना होगा क्योंकि वो डेली को कैसे देखता है मेजर uh, थ्रेट के रूप में देखता है ना इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस व्यू अ मेजर थ्रेड टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए चाइना बहुत ज़्यादा ही मतलब थ्रेट है एंड द प्रॉब्लम्स इन इंडियाज़ रैपिडली एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद चाइना केम इनटू 2010 में हमारी जो रिलेशनशिप थी चाइना से जो बलेट्रल ट्रेड था ट्रेड डिफिसिट वो काफ़ी तेजी से बढ़ता गया है ना नियरली फिफ्टी बिलियन डॉलर वो हो गया था दो में और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वहाँ से चाइना से हम जो चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हम इम्पोर्ट करते हैं तो उसने जो हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्रियल बेस है ना जो हमारे डोमेस्टिक मैनुफैक्चर यूनिट्स है तो उसको क्या कर दिया है? एक तरह से वाइप आउट कर दिया है तो ये चीज़ें मतलब यहाँ पर डिस्कस की गई हैं कि जो इेक्शन था चाइना uh, की साइड से वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए था एंड दाइनटीन नाइनटी इज द क्वेस्ट फॉर अ स्ट्रैटेजिक ऑटोमी फ्राम द यू एस ड्रोव इंडियाज इन टू अ पॉलिटिकल कोलेशन विद रशिया एंड चाइना दैट सॉट टू लिमिट द डेंजर ऑफ यूनिपोलर मूवमेंट ठीक है तो अभी हम क्या कर रहे हैं इंडिया मतलब स्ट्रांगली जो बाकी के जो दूसरे इकोनॉमिक फ्रंट हैं तो हम उनसे कोलाब्रेशन करने की सोच रहे हैं है ना जैसे कि यूरोप है यू एस है जापान ऑस्ट्रेलिया इन सब से जहाँ पर हमारे क्या है शेयर्ड इंटरेस्ट हैं इन डेवलपिंग ट्रस्ट वी ग्लोबल ग्लोबल सप्लाई चेंस डेट आर नॉट टोटली टाइड विथ चाइना सो जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है आर पार पावरफुल इनफ ऑन देयर ओन टू कम्पेल डोरेस्टिक चेंजेस इन एनी नेशन पॉलिसी तो हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उसको बरकरार रखने के लिए हम अपनी डोमेस्टिक जो भी चेंजेस हैं पॉलिसीज़ में नेशंस की पॉलिसीज में वो हम ड्रेस्टिक चेंज कर सकते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है देन तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है फाइनर बैलेंस तो यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब जो बोल्ड बोल्ड जो डिसीज़न है वो इंडिया को लेने चाहिए तो ऐसा ऑथर का कहना है कि इंडिया सीकिंग स्ट्रैटेजिकोलिब्रम विद इंक्रीजिंगली एग्रेसिव चाइना लेकिन यहाँ पे क्या है चाइना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है है ना चाइना इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इक्विलिब्रियम विद एनी ऑफ इट्स एशियन नेबर्स और इंडिया के साथ तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है इंडिया को मतलब वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो वो कभी ऐसे काउंट करता ही नहीं है कि ऐसे अलग से नेशन मतलब वो इंडिया को बहुत अपने से लो वो दिखाता है हर जगह पे है ना तो ये चीज बोला गया है कि अभी जो है अब चाहे जीडीपी टर्म्स की बात करें जीडीपी ग्रोथ जो ट्रेजेक्ट्री है तो उसमें भी हम काफ़ी पीछे हैं इंडिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो इतनी नहीं है जितनी चाइना की है दूसरा ये कि हम उनसे काफ़ी पीछे हैं मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में ओवरऑल कैपेबिलिटीज एंड चाइना रूथलेसली रेजिस्ट करते रहता है इंडिया को uh, मतलब किस में जो भी ग्लोबल गवर्नेंस बॉडीज़ हैं जैसे यू है तो वहाँ पर कश्मीर का इशू ले जाएगा एन है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप तो यहाँ पर क्या बोलेगा कि इंडिया को मेम्बर बनाना है तो फिर पाकिस्तान को भी बनाना ही होगा है ना तो वो हर जगह पर ऑब्जेक्ट करता रहता है जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक प्रॉक्सिमिटी है टू द यू तो उसको भी लेके ऑब्जेक्ट करता रहता है एंड Uh, जो कॉरिडोर है ठीक है इंडिया इकोनॉमिक थ्रू इट्स स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर बी सी आई एम यानी कि बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार सी पैक है एंड द ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क इट इज़ रेजिंग इशूज लाइक कश्मीर एट द यू एन एंड एस्टैब्लिश फुटप्रिंट्स इन द इंडियन ओशियन तो ये सारे हरकतें चाइना के द्वारा की जाती हैं तो यहाँ पर यह चीज़ बोली गई कि इंडिया की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए टू बी रेजोल्यूशन ऑफ़ द बॉर्डर डिस्प्यूट सबसे पहले तो हमको बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजोल्व करना चाहिए चाइना के साथ दूसरी बात ये करनी चाहिए कि चाइना हैज़ ऑफर्ड टू मीडिएट है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएट करने की सोच रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया कि इट शुड बी आस्ट टू प्रिवेल ओवर पाकिस्तान टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू है ना तो ये बोलना चाहिए कि आप पाकिस्तान को बोले कि आप कश्मीर इशू क्या करें रिजॉल्व करें एंड एल ओ सी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो पास्ट के जो रेंजिंग फॉर्मलाइजिंग था एल ओ सी को लेकर वो सारी चीज़ें जैसे जवाहरलाल नेहरू ने सीज़ फायर लाइन बोला था इंदिरा गांधी के टाइम पर शिमला अग्रीमेंट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की जी की लाहौर विजिट थी है ना और ये सब चीज़ें हैं तो इन सब चीज़ों को माइंड में के हम इसको उस तरह से मतलब आ, कर सकते हैं रिजॉल्व दूसरा ये चीज़ बोला गया है कि हम क्या कर सकते हैं चाइनीज़ जो है चाइना को हम एक्सेस दे सकते हैं कमर्शियल कार्गोस के सी uh, में है ना थ्रू नाथुला पास तो ये हमारा कुछ ब्रांड न्यू ऑफ़र ऐसे है नहीं पहले भी हम ऐसे कर चुके हैं और हम जो चाइना की जो बी आर आई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है तो उसको हम क्या कर सकते हैं म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हम बना सकते हैं क्योंकि हम क्या कर सकते हैं इसे इंडिया में एक्चुअली मूव ऑन द बी सी आई एम एज इट हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट इज़ प्रिंसिपल टू थाउजेंड थर्टीन है ना ऑलरेडी जब हमने दो हज़ार तेरह में जो बी ए बी सी आई एम है तो उसको हमने एक्सेप्ट कर ही लिया तो अब हम क्यों नहीं बी आर आई को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ ऑथर का कहना है और जो मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पी एम मोदी हैं तो उनको ये भी कहना था कि इस प्रपोजल को सीरियसली मतलब स्टडी करेंगे उसके बाद इस पर कुछ अपना जो जजमेंट है वो देंगे एंड इंडिया क्या कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी लिंक कर सकता है नेपाल में तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा है ना नेपाल एज़ इट हैज विजन ऑफ बिकमिंग अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड दिस विल सर्व इंडिया लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन नेपाल दूसरी चीज़ ये है कि टैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं टू ज्वाइन सी पैक एज बोथ पाकिस्तान एंड चाइना हैव आज फोर क्योंकि सी पैक को ज्वाइन करने के लिए बार बार चाइना भी बोलता है एंड इंडिया इज अलाउड टू अंडरटेक प्रोजेक्ट्स इन पी ओके एंड बलूचिस्तान ठीक है इसमें हमको मतलब बदले में ये करना चाहिए पाकिस्तान वुड रेजिस्ट ये चीज़ पाकिस्तान मतलब इसको मना करेगा लेकिन वो चाइना का हेडेक है कि वो किस तरह से पाकिस्तान को क्या कर सकता है परसुएट करेगा है ना कि हम बोले कि हमको अपना जो प्रोजेक्ट्स है वो हमको पी के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ पर और बलूचिस्तान में करना है और उसके बदले में हम सी पैक ज्वाइन कर लेंगे ठीक है तो चाइना येस बोल देगा लेकिन पाकिस्तान को इसमें ऑब्जेक्शन होंगे तो हमें मतलब क्या मतलब है इस चीज़ से चाइना ही पाकिस्तान को समझाएगा कि नहीं है ना हमने तो सी पैक

क्लियर uh, सपोर्ट नहीं दिया है है ना तो इस तरह से हम भी मतलब थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं कि इंडिया कैन पोलाइटली एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी कि हम जो वहाँ पे हमारे जो धर्मशाला रीजन है ना हिमाचल प्रदेश का तो यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं तो इनको रिलोकेट करने की हमें सोचना चाहिए तो इससे एक चाइना को भी मतलब एक अच्छा मैसेज जाएगा कि ठीक है ये हमारे uh, साथ भी हैं मतलब इनडायरेक्टली और इससे मतलब ये जो तिब्बतन जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो एग्जाइल गवर्नमेंट जो धर्मशाला में रह रही है तिब्बतन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन तो इनको भी कुछ प्रॉब्लम इससे नहीं होगी तो इनको सूटेबल लोकेशन जैसे यूरोप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यू एस तो यहाँ पर इनको आ, मतलब डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पर हमको रिलोकेट करना चाहिए तो ये बोल्ड डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है इनके ह्यूज टेक्निकल जो मूव है टेक्टिकल मूव टूवॉर्ड्स थिंकिंग थ्रो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ठीक है तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए फाइनल बैलेंस आर्टिकल में ठीक है तो ये आर्टिकल था एक यहाँ पे देख लेता ग्लोबल टीम ऑफ साइंटिस्ट डिस्कवर्स ऑफ द अर्लियस्ट गैलेक्सी इंडियाज एस्ट्रोसेट तो जो एस्ट्रोसेट है विच हैज फाइव यूनिक एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप वर्किंग इन टेंडम टू डिडेक्ट एक्सट्रीम अल्ट्रावलेट लाइट ठीक है जो एमिनेटिंग फ्रॉम गैलेक्सी ए यू डी एफ एस जीरो वन लोकेटेड नाइन पॉइंट थ्री बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ तो यहाँ पे जो आई यू सी ए है पुणे यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स तो इन्होंने ये सर्च किया है और विच वॉज गैलेक्सी विच वॉज लोकेटेड इन द हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड थ्रो एस्ट्रोसेट एंड द फाइंडिंग्स वर पब्लिश ऑन ऑगस्ट ट्वेंटी फोर बाई द नेचुरल एस्ट्रोनॉमी तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया कि बिग बैंग के बाद से क्या था एक अगर यूनिवर्स की बात करें तो वो हॉट स्पू हॉट सूप था ऑफ पार्टिकल्स ठीक है यानी कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स और जब जैसे जैसे थोड़ा सा कूलर होता गया यूनिवर्स तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो थे वो आयोनाइज आइटम uh, से मतलब कम्बाइंड होते गए ऑफ़ हाइड्रोजन और फिर वो धीरे धीरे क्या बन गए हीम भी बने है ना एंड दीज आयोनाइज आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स टर्निंग दैम इंटू न्यूट्रल एटम्स विच अलाउड लाइट टू ट्रैवल फ्रीली फॉर द फर्स्ट टाइम तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है दूसरे यहाँ पे कल्पेबल होमोसाइड के बारे में आपको ये बताना चाहिए मतलब जानबूझ जो अपराध किया गया हो है ना उसे बोलते हैं आई के सेक्शन टू uh, में यह है आई सेक्शन टू में इसका ये डील्स करता है विद द कल्पेबल होमोसाइड एंड असम गवर्नमेंट्स इनोग्रेट 1.8 किलोमीटर रोप वे अक्रॉस ब्रह्मपुत्र ठीक है तो जो नॉर्दर्न जो गुवाहाटी है असम की कैपिटल क्या है गुवाहाटी ठीक है नॉर्दर्न गुवाहाटी को आ, जो गुवाहाटी है तो उससे ये कनेक्ट करेगा ठीक है नॉर्दर्न गुवाहाटी से गुवाहाटी को मेनली जो नॉर्दर्न गुवाहाटी है वहाँ पर आई आई गुवाहाटी है तो इस वजह से जो आ, बच्चे भी थे स्टूडेंट्स भी थे तो उनको भी मतलब दिक्कत होती तीस मिनट यहाँ पर लगते थे जाने में लेकिन अभी जो है इसके बनने से रोप बनने से क्या हो जाएगा केवल आर्ट से मिनट ही लगेंगे है है ना तो तो वो राउंड ट्रिप भी पूरा कर सकते हैं अपने तो यहाँ पे यही लिखा है कि टू टू द द द द एंड्स ऑफ विल बी ऑपरेटेड फ्रॉम कचारी घाट इन 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 ऑन वन साइड साइड एंड डोल गोविंदा नॉर्थ अदर और काफी ज्यादा बड़ा ये बोला जा रहा है, इसको ब्रह्मपुत्रा ठीक है तो ये रोप वे जो है रिवर रिवर पे है ठीक है ब्रह्मपुत्रा पे है अगर हम 2.5 किलोमीटर की बात करें तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है ये वन ऑफ द वर्ल्ड हाइएस्ट 4319 मीटर का केबल बेस्ड लिफ्ट सर्विसेज है ठीक है केबल बेस्ड लिफ्ट और चार किलोमीटर का ओली में है ठीक है उत्तराखंड में सेट टू द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री ये लॉन्गेस्ट है लेकिन ये रिवर नहीं है रिवर रोप वे नहीं है रिवर है. रोप वे अभी हमने गुवाहाटी का ही पढ़ा है टू किलोमीटर इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोप वे सर्विसेज इन इंडिया स्टार्टेड इन 1868 ठीक है टू किलोमीटर है दार्जिलिंग में है वेस्ट बंगाल में और नाइनटीन से सबसे ओल्डेस्ट है तो ये इसके बारे में था ये क्यों बनाया गया है यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है क्यों स्पेशल है सबसे पहले स्पेशल इसलिए जो मैंने आई वाला आपको बात बताई थी है ना दूसरा ये कि टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि यहां पे काफी अच्छा जो माइटी एक ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलेगा माइटी ब्रह्मपुत्र का है ना तो वहां से लोग खड़े होके मतलब बैठ सकते देख सकते थोड़ी देर इधर उधर कचारी घाट जो गुवाहाटी है वहां से दाल गोविंदा टेम्पल है ऑन द नॉर्दर्न बैंक द रोप पास द फेमस उमानंदा टेम्पल ऑन द स्मॉल आईलैंड ठीक है तो उमानंदा टेम्पल भी है डिजाइन एंड फेयर की बात करें तो एडवांस्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रॉसिंग एरियल टर्म सिस्टम ऑफ इंडिया इसको बोला गया है एंड द रोवे कंप्राइजेस टू कैबिश ईच विद विदेसिटी ऑफ थर्टी परसेंटेज प्लस वन ऑपरेटर तो ये थी तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू हैव अ नाइस नाइस डे